मतलब मुझ पे अभी इतनी बुराई चल रही है, इतनी बुराई चल रही है कि पहले मेरी गाड़ी का टायर फटा, मेरी गाड़ी का गेट में सरिया आर पार हो गया, वो हुआ, अभी सीढ़ियों पाते हुए मेरा मोबाइल गिर गया, पीछे से टूट गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हालांकि मैं सब जो बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग थे सत्कार बुजुर्ग, वो मैं कर रहा हूँ। खैर इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा। चड्डा टी शर्ट बॉय ने पहना आपके, मतलब सीन ऑन। आप जनाब आ रही है और बाकी सब भी आ रहे हैं, सरप्राइज बिल्कुल एग्जीक्यूटेड है। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप। तो अभी तो आप सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ। गुड क्वेश्चन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी भाभी का है बर्थडे, और लाड़े भाई ने ये जिम्मेदारी दी है मुझे, ये शर्फ बख्शा है कि मैं उनकी बर्थडे पे प्रिपरेशंस करवाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि उनकी बर्थडे पे क्या प्रिपरेशंस हुई। तो ये देखें, गॉड डैम एग्जॉटिक लग रहा है ना। अरे यार ये ZF तो बहुत कमाल है। और सबसे भाई ये तो देखो यार, लाडेब का गला दबारी, अल्लाह माफ करे, मजाजी खुदा है वो तुम्हारा। यहाँ पे सबसे मजे की बात आपको बताता चलूँ कि जनाब भाभी को नहीं पता कि ये हम लोगों ने प्रिपरेशन की है, तो ये उनके लिए कम्प्लीटली सरप्राइज होएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी डांस स्टूडियो, और आप अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम लोग उनको यहाँ पे धोखे से लेकर आते हैं और उनको सरप्राइज करते हैं ये सारे सेटअप के साथ। मगर हमारे पास एक ऐसा है जिसको कुछ बताने का नुकसान हो गया, वो ये ज़हीन अशफाक, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ बताया नहीं किसी को, सबको गा दिया इसने। मतलब अभी चौकीदार को ही पता है कि जरनाब का बर्थडे का सेटअप क्या लगा हुआ है। मैंने खुद नहीं पूछा, और खुद नहीं पूछा, खुद नहीं पूछा, मैं तुझसे पूछूंगा। यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आया। दिखा दिया बल्लू भाई को, हमने स्पीकरों का काम दे दिया, इसने भी दिखा दिया, इसने छुपाया नहीं है। ना 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 ना, इसने भी दिखा दिया सबको, मतलब पूछ रहा, बता रहा है, छुटे गुटके, ये जो पूछ रहा है ये उसको बता रहा है, ये सिर्फ मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। अगर मैं नहीं दिखाता तो ये आगे दिखा देता, क्या इसमें मेरा कोई कसूर है? जज साहब चमाट मारेगा, चमाट मारेगा, फोन में बात कर रहा है वो। पूछता हूँ, ये शेर आपके लिए आया है क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा पैक हुई थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्यों परेशान होते हो सर्दियों की शामों में, ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में, ऐसे करना था। मैं आपको पानी दे रहा हूँ, हमने ये बात नहीं, यही देगा, आदत होनी चाहिए इसको, इसको आदत होनी चाहिए। पानी लेकर आ, चाय बना, जा वो देख सामने डिस्पेंसर लगा हुआ है, डिस्पेंसर चली है, पहले अपने हाथ धो, ग्लास धो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिला। शक है तेरे ऊपर, पहले तू खुद पी, फिर तो सब अपने नाड़ी में आराम से बांधना। बस एक दूसरे को कैमरा दिखा रहे हैं यार, जल्दी से गाना लगा। क्या कहेंगे लोग, बंद कर रहेगा ज़ारेब का व्लॉग। कुछ कह रही थी आप, कुछ कह रही थी आप, नहीं श्योर सही है, ठीक है, तुम लोग आ गए एक दूसरे के सामने, अब तुम लोग एक गाना है। वन के साथ बात ये है कि जनाब को बोल के ये भेज दिया है कि कराची के हालात बहुत खराब हो गए हैं और वो जो है घर चली जाए। तो अभी हम सब जितने भी लोग हैं, हाँ, यहाँ सारे के सारे अपने अपने कैमरे खोल के बैठे हैं, सब ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है, कोई बंदा किसी पे ध्यान नहीं दे रहा। अबे हराम खोरो, इतना मत गाओ, फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, सबने रोजी रोजगार। फजीला लोग यहाँ से जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, जल्दी आओ। मेरा अब्दुल्ला फटाफट मेरे बाइक लेके घर पे पहुंच रहा है, और ये बल्लू, ओए बल्लू लाइट खोल, हाँ सही है, ये लोग जो है वो पहुंच रहे हैं।
चलो 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 मिलते हैं फटाफट, चल फटाफट, चल फटाफट, चल 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 बांधे हो गए, चल चल अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर, अम्मा जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, शादाज को फोन कर, बोल जल्दी आओ, उष्मा भाग जल्दी आओ, उष्मा जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, चल भाई बल्लू, लाइट जला, लाइट जला बल्लू, अपनी गाड़ी तो गायब कर, शेज लाइट जला, भागो भागो, रेट पड़ गई, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ, जल्दी 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 तो ये सबके टीवी खुले जिसको बनाना चाहिए साला वो सबसे पीछे हूँ मैं। हेलो तुम लोग वो जो साला बैंक में चोरी करने के लिए छींक मार के फंसवा दो। पास है अब्दुल्ला, इमरान भाई, फजीला, हमाद, तस्वीर में जरनाब, उजबा, ऐसा ब्लॉग बना रही बस खड़ी हुई। कैसी है रे तू? मेरी दोस्त का बर्थडे है। हेलो होस्ट, हालात खराब होंगे, जल्दी चलो, अब इसका फजर तक डांस करते चलेंगे, अब अपनी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, चले आ जाओ भाई, आप हमें दे दें अपना नाक उतर जाएगी पहले। ये बाबी ये सो गई थी, पता है मैं इनको कह रही थी कि मैं सो रही हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, अरे वहां से नींद भी गोली दी थी, सो रही थी। इस तरह शोर कर रहे थे, मुझे लग रहा था सुबह ही रन्ना को पता लग गया होगा। और आधे लोगों जो सरप्राइज खराब करते ना वो ये करता। मेरे को पता क्या बोला, मैंने सिर्फ शेयर को दिखाया सब, ये कैसा बना है, हजीरा बोलिए गाली क्या सेटअप बना है, फिर वहां से वो आया बोला मेरा बोलिए वो तो मुझे भी तो दी, ये चलो अब तो जाग गए ना, ए चाकू नहीं है, चाकू तेरा मुंह है तंबाकू, यहाँ नहीं है चाकू। चलो ये भाई शाताज दो बम लाई है बड़े बड़े लाल कलर के, अपनी गुलाब के लिए इतने सारे गुलाब लाई हूँ, क्या मतलब, वन टू थ्री गो, हैप्पी बर्थडे, you have many more. Lali, kaise lagi sir bol? Khola darwaza khola. Billi aayi. Assalam alaikum. Yaar, maine bhi ye liye. Main chhodu. Bahut late aaya hu tu. Happy birthday dear Zana, happy birthday to you. Shadash ka cake lao. Gudiya cake lai hai hamari goli gudiya. अब ये मैं सबको नहीं खिला रही, बल्लू अंदर बांध कर, ये अपना अच्छा है, ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू इस वक्त हैप्पी बर्थडे नाज़रीन, हैप्पी बर्थडे टू यू, सबकी एनर्जी लो रही है इस तरह, थैंक यू सो मच।
मुझे बिल्कुल लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था, वरना मैं ऐसे नहीं आती। हालांकि हमारे हमारे इमरान खान साहब बिल्कुल सही है, सही है, सही है। और वो जो वीडियो डाली उसमें लाली ने टी-शर्ट पहना, लाली को पता था, मैं बाल बनवा था, तुमने पोनी पहना। मैं गाड़ी में सो रही थी, मैंने कहा तुम लोग जाओ खा के आते, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं घर जाऊंगी। और घबरा गई थी। फिर अच्छा, फिर बस मैं उठ के आ गई, पट्टी जो बांधी ये बोल के बांध के तुम। अच्छा तो भाई अभी पूरी टीम लेके कल इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह है हमारी ढोल की, उसके लिए सारे डांसर यहीं पे हैं, और जो हमाद ने तैयार किया है ना, अच्छा हाल आ रहे, हाल आ रहे, हाल आ रहे। तो कैसे लगा आपको बर्थडे का सरप्राइज? बहुत अच्छा। असल में पेट्रोल 262 रुपए का हो गया ना, खत्म हो गया। मेरी बर्थडे आज कुछ नहीं बोल सकता। जवाब ना नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे अभी तक ये हो रहा है, मुझे पता कैसे नहीं था, मतलब मुझे जेन्युइनली 1% भी नहीं पता था। मैं सो गई थी, इनसे पूछा बकायदा, इन्होंने जब लाइव में आके मेरे आंखों पट्टी बांधी, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, मैं ऐसे थी, मैंने कहा मैं नींद में, मुझे सुबह सब भूल जाएगा, मुझे नहीं लेके जाओ। और मुझे लगा शायद ये लोग मुझसे केक मेक छोटू जो है वो फाइनली आ गया, मतलब ये नहीं आया और मेरे लिए बैड सीन था, पर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट ऑन टाइम। जैन भाई के साथ कांटेक्ट में था ना जैन भाई, आप आपने मुझे भी नहीं बताया, मतलब मेरे को भी आपने ने कॉल की थी, फिर उसके बाद बात बात बताई, बोला निकल रहे हैं, बस मैंने निकल। थैंक यू भाई जान, कल ढोलकी है, डांस करना आपने और आना, एंजॉय करना है भाई। तो हमारा खाना आ गया, और भाई आपका नाम क्या? यासिर। यासिर भाई हमारा लेकर आया खाना, और इसको पता था कि भारी खाना है इसलिए खुद लेने आ गया। नहीं असल में ये अभी कर रहा है कि काम नहीं करना पड़े, अच्छा अच्छा लगूं, तब पकड़ साले दुम्बे, साले 2 दिन बाद काम नहीं कराना, 3 दिन काम कराना है। तारीफ कर सर, डन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। छाता सब छोड़, अभी बिल्कुल एक चीज बता, सीरियस होके पता, सीरियस होके, सीरियस होके बिल्कुल पीछे मत देखना, बिल्कुल अभी हिलियो मत, हिलियो मत, हिलियो मत, सीरियसली इतना जरूर जरूर ये देखे 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 प्ले क्या करना, क्या पहले जनाब के पहले बैठ गई है, मैं खाऊंगी फजीला, इसको हटाते टूट जाएंगे। आज से जम्बू पिज्जा नहीं है, जम्बू भाई नया पिज्जा है, जम्बू शादाज ने कभी पिज्जा नहीं खाया, आज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज, ये पिज्जा नहीं है, सब टू डबल रोटी खा ली, डबल रोटी में चिकन है, बर्गर खा रही, बर्गर बर्गर खुला है आज, चुच्चू की याद में भी खा रही हूँ मैं। हाँ मेरा बेटा सो रहा है, इनका बेटा सो रहा है और ये पंडा पिज्जा खा के रो रहा है। कोई इंसान है जो मुझे कहते थे कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, स्टार्ट नहीं करती, अभी आपने भी वही किया लाइव। हाँ आपके साथ आपके साथ होना पड़ेगा ना, मुझे रिवायत कायम करनी चाहिए। तो ZF साहिबा, हाउ वाज योर सरप्राइज, डिड यू लाइक इट? वेरी मच, मेनी मोर सरप्राइजेस टू कम इन मेनी मोर इयर्स। इंशाल्लाह, मुझे तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, वरना मैं कुछ ना कुछ तो घर से ही, मतलब मैं मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। मेरा सारा ध्यान जो ना वो मतलब उधर था कि भाई हमारे हालात खराब हैं और हालात भी खराब हैं, पर अगर शादी नहीं होता तो शादी नहीं होता तो बहुत ग्रैंड होता, पर मेरे लिए ये भी बहुत है। पटाखे इस बार हमने सोचे थे कि बाजूका बुला के ढूस ढूस करवा देंगे आपकी बर्थडे, पटाखे शादी के। थैंक यू, आज मेरी बर्थडे है, कोई मुझे विश क्यों नहीं कर रहा, ऐसे कर रही है पूरे घर में घूम रही है। इस पिक्चर की साइंस कैसी लगी आपको? वो मुझे बोलता है, आपको दबा रही हूं ना, वही ना, वो मुझे बोलता है डेकोरेटर वाला, यार ब्रो कोई अच्छी फोटो देते, मैंने कहा भाईजान इसमें आपको पता नहीं गला किसका दब रहा है। तो जी आज है 16 मार्च, जनाब की बर्थडे हुई शुरू, हमने कोशिश करी कि जनाब को छोटा सरप्राइज दें, उनको अच्छा लगे। सारे दोस्त आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो थोड़ा लेट हो गए और नहीं आ सके तो कोई मसला नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। और हैप्पी बर्थडे जनाब, अल्लाह बहुत खुश रखे, बहुत कामयाब रखे, और अब हम तो हमेशा इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। बहुत ग्रैंड बर्थडे सोची हुई थी, सोची ये बर्थडे की शुरुआत कर दी है, अब छोटे छोटे और सरप्राइज देंगे। ग्रैंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ ग्रैंड और प्लान हुआ हुआ है, तो उसके लिए रुको जरा, सब्र करो।
सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, एंड आप खुश रहें, आप और अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे और मेरे साथ ता हयात रखे। लाली आओ, ओ इधर आओ।